गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम आपको मैथ में बीएससी पार्ट वन में जो फर्स्ट किताब है आपकी, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आपका डी माइवर थ्योरम। क्या है टॉपिक? डी माइवर थ्योरम। ये जो आपकी थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने दे दिया नाम, क्योंकि कभी कभी ये इसका प्रूव करने को, डी माइवर थ्योरम क्या है इसको प्रूव कीजिए, या इसका कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको कैसे क्या है इसको समझ लीजिए, खाली आप देखते जाइए, बाकी तो धीरे धीरे एक दो बार करेंगे तो अपने आप में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, इफ एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव अवर निगेटिव देन। इसमें इस थ्योरम में होता क्या है, जब एन का मान पॉजिटिव या निगेटिव, समझ रहे नहीं, इसमें एन का मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अलग अलग केसों में इसको दर्शाया है मैंने। तो पहले पॉजिटिव पे देखेंगे फिर निगेटिव पे देखेंगे। तो इसका क्या है मीन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर क्या लगा दिया मैंने, एन। क्या लगा दिया है? एन। तो इसको जब सिद्ध करेंगे तो क्या एन की पावर को कैसी हो जाएगी, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये सिद्ध करना है डी माइवर थ्योरम में, जब किसी की पावर हो जाती है तो उसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड इफ एन इज ए फ्रैक्शन पॉजिटिव अवर निगेटिव देन, वही जब cos n theta plus i sin n theta is one of the values of cos theta plus i sin theta की पावर n, ठीक है। ये हमने एक डी माइवर थ्योरम का जो पढ़ना है वो मैंने इसको नोट किया है। नोट करने पे हमको क्या ज्ञात करना है, जब किसी की पावर मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो इस फॉर्म में हमको दिखाना है। इसी प्रकार इसमें एग्जाम्पल में शो करेगा, मैं नेक्स्ट इसी में बताएंगे एग्जाम्पल डी माइवर थ्योरम का कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं प्रूफ, डी माइवर थ्योरम को प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट में हमें क्या करना है, पहले केस फर्स्ट, इफ एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पहले भी कहा था इसमें एन का मान पॉजिटिव और निगेटिव, पहले पॉजिटिव पे दिखाएंगे या निगेटिव पे। पहले मैंने केस को फर्स्ट को माना है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में हमने क्या किया है, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। यहाँ पे क्या लिखा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है, cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, ठीक है। इन दोनों का हमने मल्टीपल किया है, ठीक है, दोनों का मैंने मल्टीपल किया है। तो जो बाहर का पोर्शन है cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू, ठीक है, हलाओ cos थीटा वन और प्लस i sin थीटा वन, cos थीटा टू प्लस i sin थीटा टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा वन प्लस इनटू cos थीटा टू माइनस sin थीटा वन इनटू sin थीटा टू। सीधा है, इसका इसका गुणा किया
फिर इसका इसका पूरा किया, जब आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट, देखो रियल को अलग किया है और इमेजिनरी को अलग किया है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हमारा हुआ है, तो साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। अब गुणा करना तो आता ही है ना, जब किसी व्यंजक का गुणा करते हैं तो किस प्रकार, देखो रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी, ठीक है। तो मैंने अब ये फार्मूला बनता है cos किसका होता है a प्लस बी, और साइन a प्लस बी क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसी प्रकार साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये फार्मूला दो निकल गया, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल और इंटर में, ये फार्मूला आपको बताएंगे, वो मैंने डिवाइवर थ्योरम में केस फर्स्ट में पॉजिटिव इंटीजर में मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे क्या बन गया आया, कॉस भाई थीटा वन है और थीटा टू है, तो कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू ये हमारा रियल में हो गया, प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। आल्सो इसी प्रकार हम अभी मैंने थीटा वन थीटा टू को लिया था, अब इसके बाद हम ले रहे हैं इसमें थीटा थ्री को, कॉस थीटा थ्री और प्लस आई साइन थीटा थ्री, तीन व्यंजक बना के इसको गुणा करते हैं, वो कौन से डिमाइवर थ्योरम में कैसे करते हैं आल्सो, इसी प्रकार कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन मैंने कोई लिख दिया, फिर इसके बाद कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू दूसरे कोष्टक में लिख दिया दूसरा व्यंजक, और फिर इसके बाद कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री ये मैंने तीसरे कोष्टक में लिख दिया। तो इन दोनों तीनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमें पहले से ये प्राप्त हो गया था, मैंने इसको ये लिख दिया, फिर हमने इसको इसी को यहाँ पे ऐड कर दिया, कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री, जैसे मैंने इसको नोट किया है वैसे ही मैंने इसका गुणा करके क्या निकला है, ये ए और ये बी, जब इसका इसका गुणा करेंगे पार्ट ए पार्ट बी तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, चाहे इसको ए दिखा सकते हैं और इसको बी, फार्मूला बनेगा कि नहीं, तो उसी प्रकार मैंने इसको ए प्लस बी और ए साइन ए प्लस बी तीनों को दिखा दिया, तो इसमें क्या निकल गया है, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, ठीक है ये हमारा निकल के आया। फिर इसके बाद सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ एन, अब हमें एन टर्म्स तक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार फिर मैंने लिख दिया कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, फिर इसके बाद दूसरे कोष्टक में कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, फिर तीसरे कोष्टक में कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री डॉट 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 कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, मैंने एंथ टर्म तक इसको डिफाइन करना चाहा है। तो हमारा क्या फार्मूला बन के जानेगा भाई, इसी प्रकार से मतलब हम दिखा सकते हैं, इसमें क्या करना है डॉट डॉट थीटा एन, ठीक है कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू डॉट डॉट थीटा एन प्लस आई साइन थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री डॉट डॉट थीटा एन, यहाँ पे थीटा थ्री, ठीक है ये यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट नाउ पुटिंग, सो दैट नाउ पुटिंग इसमें क्या करेंगे हम, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री, जाहिर सी बात जब हम इतना शो कर सकते हैं तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डॉट डॉट थीटा एन बराबर, इसको थीटा से हम डिनोट कर सकते हैं कि नहीं, नहीं एक बात ना क्लियर हो आप इसको देख सकते हैं, नहीं दिक्कत हो रही है तो आप पूछिए इसको जहां पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये फार्मूला बेसिस है, फार्मूला बेसिस में आपको पहले से ही इस चीज को गिविन होना चाहिए।
कि हमारा दिया क्या है, कि पहले से हमें पूर्व ज्ञान से संबंधित क्या क्या इसमें ऐड हो रहा है, तो वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है वही पॉजिटिव इंटीजर में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये मैंने इसको सिद्ध कर दिया, ये कौन सी है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दिस प्रूव बी माय वर्क थ्योरम, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका केस फर्स्ट। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर। इसके बाद मैंने केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, जब हम n का मान कैसा हो निगेटिव, निगेटिव इंटीजर लेते हैं, तब डी माइबर थ्योरम क्या सोल्यूशन क्या रहता है। जब हम पॉजिटिव केस में हमारा इस तरह से, निगेटिव केस में किस तरह से इसका होगा वो इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है कि सेकंड में मैंने कहा है व्हेन n इज ए निगेटिव इंटीजर, जब कैसा हो निगेटिव इंटीजर हो, तब लेट n इज इक्वल टू माइनस m। एक सपोज दैट मैंने मान रखा है, इसमें n का मान कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन क्या है cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n इज इक्वल टू n का मान मैंने क्या माना माइनस m, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर माइनस m। जब किसी के पावर माइनस m लिख जाती है तो वो क्या हो जाता है इनवर्स में हो जाता है ना, तो इसमें क्या करेंगे 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर m। जो भाई पावर लगी है माइनस m अगर नीचे आने पर वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ना, तो इसको मैंने उसी प्रकार लिख दिया है बाई केस फर्स्ट। अब सीधा केस फर्स्ट पर लिया, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा था वो यहाँ पे इनवर्स में है और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखा है, तो इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कंजुगेट गुणा कर देंगे, cos m थीटा माइनस i sin m थीटा, cos m थीटा प्लस i sin m थीटा, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos m थीटा माइनस i sin m थीटा, तो ये cos स्क्वायर m थीटा प्लस i sin प्लस sin स्क्वायर m थीटा, ये निकल के हमारा आ गया, ठीक है। इसका मान क्या होता है लेडी, 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो मैंने इसको 1 कर दिया अपॉन 1, तो इसका मतलब क्या होगा ये आपका शेष रहा cos m थीटा माइनस i sin m थीटा, तो n इज इक्वल टू हमने क्या माना था माइनस m, तो माइनस m माना था तो हमने क्या किया था यहाँ पे n माइनस m को हटाने से क्या आ जाएगा इसमें cos माइनस n थीटा प्लस माइनस i sin माइनस n थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। दिस प्रूव कोई दिक्कत नो डाउट थैंक यू क्लियर, और किसी को दिक्कत हो बस इसमें क्या है मेन चीज आप अपने दिमाग को सेट कीजिए कि इसमें डी माई वर्क थ्योरम, डी माई वर्क थ्योरम मतलब जो इसमें दिया गया है उसी को आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने के लिए आप क्या क्या करेंगे वो आपके सामने, इसी प्रकार आपको इसमें एग्जाम्पल भी करने होंगे। एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताएंगे कैसे इसमें डी माइवर थ्योरम पे एग्जाम्पल, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन या तो इसका थ्योरम का प्रूफ करने को आएगी नहीं तो इससे एक एग्जाम्पल आपको 100% परीक्षा में मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, थैंक यू।